हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चौथा चैप्टर डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, मांग एवं मांग का नियम लेके चल रहे हैं। इस चैप्टर में आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है डिमांड शेड्यूल, मांग तालिका। मांग तालिका वह तालिका है जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के बीच के संबंध को प्रकट किया जाता है, मांग तालिका कहलाती है। मांग तालिका में कीमत और वस्तु की खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है, मांग तालिका कहलाता है। मांग तालिका का परिभाषा प्रोफेसर सैमुअलसन ने दिए हैं अपने विचार। सैमुअलसन के शब्दों में, वह तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है, मांग तालिका कहलाती है। किसी भी वस्तु की एक निश्चित कीमत पे उस वस्तु की खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है, इसे मांग तालिका कहते हैं। मांग तालिका को दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत मांग तालिका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और बाजार मांग तालिका मार्केट डिमांड शेड्यूल। व्यक्तिगत मांग तालिका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल व्यक्तिगत मांग तालिका वह तालिका है जो किसी निश्चित समय पर एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी मांग की मात्राओं को दर्शाती है, व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। जैसे एक उपभोक्ता प्रति इकाई किसी वस्तु का उपभोग करता है, खरीदता है, तो प्रत्येक यूनिट जब वो उपभोग करता है तो एक निश्चित प्राइस के आधार, तो एक एग्जांपल प्रति इकाई कीमत रुपये में, यानी प्रत्येक वस्तु की इकाई का है वो रुपये में है, तो उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई मात्रा यानी कीमत के आधार पे वो किस तरह से डिमांड कर रहा है उस वस्तु की क्वांटिटी पे। तो है जब वस्तु की प्रति इकाई 10 रुपये है तो उपभोक्ता एक वस्तु की पर एक इकाई को डिमांड करता है, यानी उस जब 10 रुपये प्रति यूनिट है तो वस्तु का डिमांड एक करता है, एक यूनिट एक इकाई। वस्तु की प्रति इकाई जब 8 रुपये होता है तो वो 3 वस्तुओं की मात्रा का मांग करता है, जब 6 रुपये प्रति का होता है तो 4 रुपये कर 4 यूनिट का डिमांड करता है, जब 4 रुपये प्रति का होता है तो 6 इकाई डिमांड करता है, और जब 2 रुपये होता है तो 8 इकाई की मांग करता है। तो इस तरह से जब प्रति इकाई का प्राइस बढ़ता है तो प्रति वस्तु की मात्रा का डिमांड घटता है।
इस एग्जाम्पल से यह है कि जैसे जैसे प्रति इकाई का रुपये कम होता है उसकी मात्रा उपभोक्ता बढ़ाता है। बाजार मांग तालिका जो दूसरा प्रकार है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। बाजार मांग तालिका समस्त बाजार में किसी समय बिंदु पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार बाजार मांग तालिका एक वस्तु के लिए कुल उपभोक्ताओं की कुल मांग का योग है। बाजार मांग, बाजार में विभिन्न प्रकार के वस्तुएं होती है और विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार उपभोक्ता का वस्तुएं होती है। तो उन सभी वस्तुओं का जब उपभोक्ता अपने उपभोग के लिए डिमांड करते हैं तो एक ही वस्तु को एक से अधिक उपभोक्ता जब डिमांड करते हैं तो उन वस्तुओं की मात्रा दोनों उपभोक्ताओं के कुल योग जो होगा वो बाजार मांग तालिका प्रदर्शित करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल, एक दूध का उपभोग दो उपभोक्ता करते हैं तो दूध की कीमत रुपये में प्रति लीटर जो है रुपया में है। उपभोक्ता ए की मांग प्रति लीटर, उपभोक्ता बी की मांग प्रति लीटर, ये दोनों का योग जोड़ देंगे तो वो बाजार मांग तालिका निकल जाएगा। तो 20 रुपये प्रति लीटर जब दूध का प्राइस होता है तो उपभोक्ता ए 3 लीटर डिमांड करता है और उपभोक्ता बी 2 लीटर डिमांड करता है। जब प्रति लीटर 16 रुपये होता है तो ए उपभोक्ता है वो 4 लीटर डिमांड करता है और बी 3 लीटर डिमांड करता है। जब 12 रुपये प्रति लीटर होता है तो 5 लीटर ए डिमांड करता है और 5 लीटर बी डिमांड करता है। जब 10 लीटर प्रति रुपये लीटर होता है तो ए 6 लीटर और बी 8 लीटर डिमांड करता है। तो इस तरह से ए और बी जो दोनों अलग अलग दूध की मात्रा का डिमांड किए हैं और उपभोग किए हैं उन दोनों का योग करेंगे तो बाजार मांग निकल जाएगा और बाजार शेड्यूल निकल जाएगा। तो इस तरह से 2+3 यानी 3 लीटर आपका ए का और 2 लीटर बी का, तो टोटल 5 लीटर, 4+3 7 लीटर टोटल, 5+5 10 लीटर, 6+8 14 लीटर। तो इस तरह से टोटल वस्तु की मात्रा का योग मार्केट शेड्यूल दर्शाती है। तो इस तरह से आज हम लोग डिमांड शेड्यूल पे चर्चा किए, डिमांड शेड्यूल के मीनिंग देखे, डेफिनेशन देखे और इसके टाइप्स देखे। जिस तरह से एक उपभोक्ता अपने डिमांड के लिए जिस वस्तु का उपयोग करता है उसकी कीमत और उसकी मात्रा के बीच जो संबंध होता है, जो संबंध प्रकट करता है वो डिमांड शेड्यूल कहलाता है। उस तरह से इसको दो भाग में व्यक्तिगत मांग तालिका, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल दो भाग में बांटा गया है। जो प्रति व्यक्ति अपनी वस्तु का डिमांड करता है और जैसे जैसे प्राइस घटता है बढ़ता है और उसका जो डिमांड होता है वो प्रदर्शित करता है इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल किसी पर्सनल व्यक्ति या उपभोक्ता का जो उपभोग किए गए वस्तु की प्राइस और मात्रा प्रदर्शित करता है उसको व्यक्तिगत मांग तालिका बोलते हैं। और जो बाजार मांग तालिका में एक से अधिक व्यक्ति एक ही वस्तु का डिमांड अलग अलग मात्रा में करते हैं और उन दोनों का योग टोटल मात्रा जो उस वस्तु का वो
वो प्रदर्शित करने वाले तालिका को बाजार मांग तालिका। तो इस तरह से हम लोग मांग तालिका पे चर्चा किए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।